ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? आपने मेरे पीछे मारा? पागल हो क्या? मुझे तो बस एक गिलास पानी चाहिए था। अभी लाती हूँ। अरे यार, आज भी 2000 रुपये कम है। राजन जी। भैया, तुमने लॉकर में से 2000 रुपये लिए थे क्या? मैंने 10000 रुपये रखे थे, 2000 रुपये कम है। क्या भैया, हर दूसरे दिन आप एक ही सवाल करते रहते हो। मैं आपके पैसे क्यों लूंगा? आपके बिना पूछे आपका कोई सामान छूता हूँ क्या? मैं कहीं खर्च करके भूल गए होंगे और मुझे बोल रहे हो। सरिता जी। भैया। सरिता, तुमने 2000 रुपए देखे क्या? नहीं भैया, और अगर मैंने देखे भी होते तो मैं सीधा आपको पकड़ा देती। भैया, वो मैंने खाना बना दिया है, खा के चले जाइएगा। नहीं, मैं दुकान पर ही खाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। आप हटो यहाँ से, मुझे काम करने दो। अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 मिनट। कैसी बातें कर रहे हो? हटो, मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ। आप ये क्या कर रहे हो? मैं बड़े साहब को सब कुछ बता दूंगी आपकी हरकत के बारे में। छोड़ो मेरा हाथ। क्या कह रही है? बड़े साहब को बोलेगी? क्या बोलेगी? हाँ, बड़े साहब को बताएगी, जैसे कि वो तो यकीन कर लेंगे तुम्हारी बात पे। तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे या मेरी बात पे? ये मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। राजन। अच्छा भैया, आप आ गए। देखा आपने, ये मेरे ऊपर गंदी नजर डालती है, और जब मैंने इसको पकड़ा रंगे हाथ, तो ये सब करने लगी अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। भैया, मैंने क्या किया? गलती तो इसकी है ना सारी, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे सब पता है किसकी गलती है। बहुत टाइम से ना मेरी अलमारी से पैसे चोरी हो रहे हैं। मुझे पता था इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसीलिए मैंने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए थे। और जब मैंने फुटेज देखी तब पता लगा कि अपना ही सिक्का खोटा है। गलती चाहे जो भी करे, चाहे वो अपना हो या पराया, सजा मिलनी चाहिए। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकालता हूं। निकलो, निकलो।